बैक टू मैनेदर वीडियो। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा पता लोग वेब सीरीज का रिव्यू। तो जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो में लाइक करके कमेंट करके नहीं जाना। तो कोई बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार जो कहानी स्टार्ट होती है एक मर्डर प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई, जिसके टारगेट है एक टीवी न्यूज रिपोर्टर संजीव मेहरा। ये अक्सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, जिसके वजह से इनको थ्रेट और मारने की धमकी मिलती रहती है। प्लानिंग का कनेक्शन जुड़ा हुआ चार अजीब और लोगों के साथ, जिनके पास कुछ ऐसा जुगाड़ है जिसके लिए इनको पताल लोक का कीड़ा बनने के लिए मशहूर कर देता है। पहले नाम का लड़का होता है, उसका नाम होता है टोप सिंह, जो कि गांव में तीन लोग को मारने के बाद दिल्ली में आकर अपनी जिंदगी आराम और नॉर्मल की तरह गुजार रहा है। जो दूसरा नाम का लड़का होता है, जिसका नाम इस वेब सीरीज में होता है कबीर सिंह, जो खुद को हिंदू बताता है पर उसके बोलने का तरीका किसी संकट को साजिश कर रहा है। और जो तीसरे नाम की लड़की होती है वो होती है मारी, जो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए झूठ बोलती है और बताती है कि मेरा इन तीनों से कोई कनेक्शन नहीं है। और जो चौथा नाम का लड़का होता है, उसका नाम होता है विशाल त्यागी, जो खुद को गैंगस्टर समझता है और यूपी पुलिस को की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। और इसके सबसे फेवरेट वेपन है हथौड़ा, जो कि अब तक 45 मौत कर चुका है। तो वह संजीव मेहरा और उनकी कार के बीच खड़े हुए हाथीराम के पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करके अपने आप को प्रमोशन दिलाना चाहते हैं। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब हाथीराम के हाथ कुछ सबूत मिलते हैं, जो कि पॉलिटिशियन और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हाथीराम को केस से हटा के कुछ सीबीआई को दे दिया जाता है। क्या हाथीराम इस केस के पीछे छुपे छुपे हिस्से को पता लगा पाएंगे? तो गाइस ये वाली वेब सीरीज मैंने पूरी देख ली है अमेज़न प्राइम वीडियो पे। तो गाइस आप भी जाके देखिए और बताइए कैसी लगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय। अब हम मिलते हैं अपने।